नमस्कार दोस्तों, हमारे केस फाइल्स के एपिसोड 2 में आप सभी का फिर से स्वागत है। ठीक है, सो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बहुत एक इंटरेस्टिंग क्लिनिकल केस के बारे में बात करेंगे। तो ये है डॉक्टर पाल। ठीक है, आप में से मैक्सिमम लोग इन्हें जानते होंगे। तो ये मैं जिसके बारे में बात करने वाला हूँ, जिस क्लिनिकल कंडीशन का, ये उनका विक्टिम थे। ठीक है, और उस एक छोटे से जीन की वजह से कैसे उनका 7 मतलब उनके शादी के बाद उनके वाइफ का 7 मिसकैरेजेस हुआ, वो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मैं बहुत सारे वीडियो लाते रहता हूँ। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपने अगर कभी डॉक्टर पॉल को देखा है और उनको ठीक से नोटिस किया है, तो आपने देखा होगा उनका जो एक मिडिल फिंगर है ना, ये वाला, वो दूसरे फिंगर्स के मुकाबले काफ़ी छोटा है। ठीक है, अब इसकी वजह से ये एक सिंपल सा बात है कि इसके लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और इस छोटे से जीन की वजह से ही आपका उनका वाइफ का जो है पूरा 7 मिसकैरेजेस हुआ। तो जब उनका शादी हुआ, नॉर्मली शादी के बाद जब 7 टाइम्स जब उनका वाइफ का मिसकैरेज हुआ, तब उन्होंने ये एनालाइज करके निकाला कि उनके वाइफ में भी ये वाला सेम जीन प्रेजेंट था जो डॉक्टर पाल के इस छोटे फिंगर होने के मतलब वजह था। ठीक है, लेकिन उनके वाइफ में ये कंडीशन नहीं था, क्योंकि उनमें वो जीन रिसेसिव था। तो जब गर्ल चाइल्ड पैदा हुआ, वो एक जीन आया आपके डॉक्टर पाल से और दूसरा आया उनके वाइफ से, और दोनों कैरियर थे उस जीन का, जिसकी वजह से आपका डिफॉर्म बेबी पैदा हुआ। आप देख सकते हैं ये उनका बेबी का कोई हाथ नहीं है, कोई पैर नहीं है, इवन इनका लंग्स हार्ट्स ये भी ठीक तरीके से डेवलप नहीं होता। इसे हम कहते हैं ग्रेवी सिंड्रोम। फिर डॉक्टर पाल ने उनके मम्मी पापा पूरे सभी एंसेस्टर का ईच एंड एवरी डिटेल्स निकाला, तब उन्होंने देखा कि उनके पापा, उनके ग्रैंडपा और ग्रैंडपा के पापा में भी वो सेम जीन प्रेजेंट था। और इस कंडीशन होने का इनका मेन रीज़न जो है वो है डॉक्टर पाल के फादर जो है उन्होंने अपने बहन के बेटी से शादी कर लिया। और अगर आप एक क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो आपको आसानी से समझ में आएगा इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में एक टर्म आता है कॉन्सेंगियस मेटिंग, मतलब मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। इसमें होता क्या है, मतलब जो एकदम रेयर ऑटोसोमल डिजीज है वो होमोजाइगस होके न्यू इंडिविजुअल में आपका एक्सप्रेस हो जाता है। और इसलिए कॉन्सेंगियस मेटिंग को एकदम मतलब रोकना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे डेंजरस डिजीज़ का मतलब डेंजरस डिजीज़ और कंडीशन का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसका एक पीडीग्री आपको आसानी से याद होगा, कुछ ऐसा था। तो इसे कहते हैं हम कॉन्सेंगियस मेटिंग, जिसकी वजह से डॉक्टर पल के वाइफ को जो है 7 मिसकैरेजेस झेलना पड़ा। ठीक है, तो ये आज का था वीडियो। अगर कोई वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड अपने फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा, और क्योंकि इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना जरूरी है। और ऐसे में बहुत सारी वीडियो लाते रहता हूँ, आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप कुछ किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा, और इस वीडियो पर अगर आपका कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट पर दे सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, देखने के लिए आपका बहुत बहुत